इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। उम्मीदवार घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह की रणनीति रहेगी अब आपकी? ठीक है, हमारे यहाँ चुनाव पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो रणनीति बनाते हैं और उसी की रणनीति से हम सब चुनाव लड़ते हैं। तो जो चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी के संगठन के अनुसार लड़ा जाएगा और वो नीति तय करते हैं। ताई ने जब से घोषणा की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके पास असमंजस की स्थिति बनी थी, काफी लंबा समय निकला था टिकट के दावेदार घोषित होने का, आपको किस तरह के संकेत मिल रहे थे लगातार? नहीं देखिए, हमारे यहाँ ऐसे कोई संकेत वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये संगठन तय करता है तो इसलिए संगठन ने तय करा किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना, तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को उम्मीदवार संगठन ने बनाया ये बहुत बड़ी बात है। सिंधी समाज से आप आते हैं और किस तरीके का सपोर्ट आपको रहेगा इस इंदौर लोकसभा से सिंधी समाज के किसी प्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाया तो इसका फर्क क्या भोपाल और अन्य जगह पर भी नजर आएगा? देखिए, पूरे देश में एकमात्र सिंधी समाज को प्रतिनिधि मिला है, पर मेरा ऐसा मानना है मैं सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, आपने देखा होगा कि शहर की सांस्कृतिक गतिविधियां मालवा जिसमें 20 राज्यों के अलग अलग कलाकार आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों को लेके हम सभी समाजों को सभी धर्मों को, यह इंदौर एक ऐसा है लोग कहते हैं मिनी बम्बई है, मेरा ऐसा मानना है ये मिनी बम्बई नहीं, यह मिनी भारत है, एक छोटा लघु भारत है जिसमें हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग और देश के हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, तो हम सब मिलके शहर को आगे बढ़ाने के लिए और सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। चूंकि कई दावेदार थे मैदान में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं नुकसान आपको पहुंच सकता है या कुछ इस तरह की स्थितियां तो नहीं रहेंगी? अब देखिए, चुनाव के पहले जो कार्यकर्ता रहता है उनके मन में भाव रहता है चुनाव लड़ने का और रहना भी तो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन हमारी पार्टी की एक कार्य पद्धति है कि जब किसी कार्यकर्ताओं को तय हो जाता है तो उसके बाद सब लोग मिलकर उस पार्टी के चुनाव जीतने के लिए और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब साथ में लगते हैं, इसमें कोई इसी कोई समस्या नहीं आएगी। किस बड़े नेता को श्रेय देना चाहेंगे आप? सुमित्रा महाजन, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेता? किसी सभी नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को और केंद्रीय नेतृत्व को और संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक को। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे, हालांकि नगर निगम के चुनाव तक आप जीते हैं लेकिन अब ना विधानसभा में आप कभी लड़े हैं लेकिन पहली बार संसद में सांसद के लिए तौर पर लड़ रहे हैं, कितने मतों से आपको लगता है कि विजय प्राप्त हो गया? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय हो और उसके लिए पार्टी पूरी रणनीति बनाएगी। तो बिल्कुल यह है शंकर ललवानी जी, इनका कहना है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, रणनीति बनाकर तैयार की जाएगी और टिकट घोषणा के पहले जो भी स्थितियां थी वो खत्म हो चुकी है, अब केवल शंकर ललवानी के साथ में पूरी पार्टी खड़ी हुई है और वो यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, ABC24 इंदौर।